बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। जैसे कि अपन प्रीवियस वीडियो में देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इस वीडियो में देखेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईपीए एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस क्वेश्चन। गोपाल एंड को ऑफ मुंबई कंसाइन 100 टीवी सेट्स और निखिल ऑफ हैदराबाद। क्या करें, गोपाल एंड को जो है सो मुंबई से है, उन्होंने जो है सो 100 टीवी सेट्स किसको भेजे, निखिल को भेजे, उन्होंने कहा के हैदराबाद के। द कॉस्ट ऑफ ईच टीवी वॉज रुपीज 600। कॉस्ट ऑफ ईच टीवी कितना है, 600 रुपीज है। गोपाल पे इंश्योरेंस रुपीज 1000। गोपाल जो जो है सो ओनर है, उन्होंने कितना पे करे, 1000 रुपीज। फ्लाइट के लिए कितना पे करे, 1000 रुपीज पे करे। Account sales was received from Nikhil showing the sale of 80 TV sets of 800. 100 TV sets are like kitne bike 80 bike 20 bach gaye apne nahi bike wo. The following expenses were deducted by Nikhil. Nikhil ke expenses bata raha jo consign hai unke expenses alag se de diya. Ye question aapko aasani aur bhi aasani kar de raha hu, nahi alag se Nikhil ke expenses bata de. Jaise ye kya hai, first expense is selling expense 500 rupees hai aur ek jo hai commission 10% on sale. ये जो है सो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अपन पढ़ लिए, अब पैसा प्रिपेयर करते लेक्चर अकाउंट चेक करेंगे। अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैं बेसिक समझाया और कौन से अकाउंट्स बनाना रहता देख। तो जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक साथ अपन कितने 3 अकाउंट्स एक साथ बना लेते हैं। फर्स्ट इज कंसाइनमेंट अकाउंट, अनदर वन इज कंसाइनिंग अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज गुड्स एंड और कंसाइनमेंट अकाउंट। सो लेट्स स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या दिया हुआ वहां पर, गोपाल एंड को कितने भेजो, 100 टीवी सेट्स भेजे, कितने रुपीस है, 600 रुपीस है ना इसमें। तो अपन क्या लिख लेते हैं, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितना, 100 टीवी है, ईच कॉस्ट कितना है, 600 रुपीस है। तो कितना हो रहा, 60,000 हो गया। नेक्स्ट क्या है, गोपाल कितना पे करे इंश्योरेंस के लिए, 1000 रुपीज। तो अपन गोपाल ओनर कभी पे करे तो अपन क्या लिख सकते, टू कैश अकाउंट लिख सकते, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में जैसे एक्सपेंस, या तो किसके लिए पे करे वो ना इंश्योरेंस के लिए पे करे, बल्कि नेम लिख ले रहा, कितना है वो 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्या पे करे, 1000 रुपीज फ्राइट के लिए पे करे ना, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में फ्राइट, कितना अमाउंट है वो 1000 रुपीज उसके लिए भी। नेक्स्ट अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड फ्रॉम निखिल शोइंग द सेल ऑफ 80 टीवी सेट्स। कितना बेचे निखिल, 80 टीवी सेट्स बेचे। तो यहाँ पे क्या लिख लेते अपन, बाय कंजाइन का नेम लिख लेना, बताया हमें हमेशा सेल हुआ तो कंजाइन का नेम लिख लो, बाय निखिल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख लेना सेल्स, कितने टीवी 80 टीवी, ईच कॉस्ट कितने में बेचे हम 800 रुपीज में बेचे, तो कितना हो जा रहा है 64,000 रुपीज हो जा रहा। वैसे ही साथ साथ में क्या लिख लेते हैं, कंजाइनी अकाउंट लिख लेते हैं, टू ये किसके बारे में, निखिल का अकाउंट है ना, कंजाइनी बोले तो कौन है, निखिल का अकाउंट है, निखिल का अकाउंट रहा तो निखिल का नेम यूज करते पर नहीं यूज करते, क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज है, 64,000 रुपीज है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर अपने को, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ 500 हुआ, किसकी वजह से, निखिल की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में निखिल अकाउंट लिख लेते हैं, निखिल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है वो अमाउंट 500 रुपीज। साथ में निखिल का कुछ भी खर्चा रहा तो अपन किस में लिख लेते, कंसाइनिंग अकाउंट में लिख लेते, ये साइड डेबिट में लिख लेते, ये साइड किस में लिख लेते, अपन क्रेडिट में लिख लेते, बाई निखिल नहीं लिख के अपन क्या लिखते, जस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है 500 रुपीज। नेक्स्ट अमाउंट क्या है, कमीशन 10% ऑन सेल, कितना है कमीशन 10% दे, तो टू निखिल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख लेते, कमीशन, कमीशन हमेशा सेल पे करते, थोड़े बच्चे क्या करते परचेज पे जो है तो 10% कमीशन करते, परचेज पे नहीं करते अपन 10% कमीशन, हमेशा सेल पे करते। तो कितना 64,000 इंटू 10 पर बोले तो बाई सेंड बोले तो जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, तो कितना हो गया 6,400 रुपीज हो गया। तो अपन ये क्या लिख लेते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस किसकी वजह से, निखिल की वजह से, बोलते निखिल के अकाउंट में लिख लेते बाई कमीशन अकाउंट कितना है
6400 हो गया। लास्ट बॉक्स क्या है अपना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना, कुछ भी डैमेज हुआ इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पर अपन, टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड, बल्कि लिखना चाह रहे तो लिखो या तो आपकी मर्जी, ट्रांसफर्ड कितना है, कितने का स्टॉक है अपने पास, 60,000 का भेज है अपन, 60,000 का रिसीव हो गया ना बाई कंसाइनमेंट स्टॉक 60,000, ये टोटल तो बेफिक्री से कर ले सकते हैं आप। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो लास्ट का बॉक्स आप लोग एग्जाम में बनाकर आइए, इजी रहता है ये बॉक्स बनाना। 60,000 नेक्स्ट इज 60,000। अब यहाँ पर जो है सो अपन बेचे कितना 100 सेट्स भेजे, लेकिन बिका कितना हो 80 सेट्स ही ना, तो यहाँ पर जैसे अपने 20 सेट्स क्या करते निकले हमेशा, जो भी सेट्स अपन जितना भी सेट्स भेजे समझ लो उसमें से अगर 10 या 15 कुछ भी बच गया तो वो लोग क्या करते रिटर्न कर देते कंसाइनर को, तो अपन को क्या करना पहले वो 20 सेट्स अपने कितना प्रॉफिट आया चेक करना, मतलब वो 20 सेट्स का अमाउंट निकाल देने का रहता अपने को, तो कितना टोटल खर्चा कितना आया ओनर को 60+2,000, तो 62,000 ओनर को खर्चा आया, कंसाइनर को कितना खर्चा 62,000। अगर जो है सो कंसाइनर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहा समझो तभी अपन अमाउंट ऐड करते हैं, या तो डायरेक्टली ये दो अमाउंट है 60+1,000 एंड 1,000 दैट इज इक्वल टू 62,000, देन इनटू अनसोल्ड क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी, अनसोल्ड कितने हुए 20, 80, 100 थे 80 बिक गए बोले तो 20 बच गए, आउट ऑफ कितने 100, तो 0,0 गेट कैंसल एंड अगेन 0,0 गेट कैंसल, देन 6,200 इंटू 2 करे तो कितना आ रहा 12,400 रुपीज अपने को रिटर्न आ जा रहे, किस में आ रहे लेकिन सेट्स के हिसाब में आ रहे, तो यहाँ पे क्या लिखा थे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, इधर का टोटल दोनों में से जो टोटल ज्यादा आया अपन वही जो है सो दोनों साइड में लिख लेते, अगर इधर का टोटल करने गया तो कितना हो रहा 62,000, 7,500 अपने किधर आ रहा डेबिट साइड आ रहा, डेबिट साइड आ रहा तो क्या होगा वो अपने को प्रॉफिट आ रहा, तो 7,500 रुपीज कंजाइनर को प्रॉफिट आ रहा, तो क्या लिखते अपन टू P&L अकाउंट लिख लेके अपन क्या लिखते हैं 7,500। अब इधर का टोटल ये प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल इधर किधर भी यूज नहीं करते अपन, बच्चे क्या करते इधर का टोटल आ जाएगी ये साइड डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड में लिख देना होगा लिख देते, वहीं पर आप जो बड़ी मिस्टेक करते हो अपन जरूरत नहीं है यहाँ का टोटल यहाँ पर लिखना, क्योंकि ये जस्ट अपन किसका अकाउंट बना रहे कंसाइनर का अकाउंट बना रहे, तो यहाँ का टोटल ऑब्वियसली जो है 64,000 ही दोनों में से ज्यादा है, दोनों साइड भी क्या लिख देगा 64,000 में से अपने कितना माइनस करने का 6,900 माइनस करने का 64,000 माइनस 6,900 0,0 10 में से जैसे 9 गया तो 1 ये कितना आ गया 3 हो गया 3 हो गया तो 13 में से 6 गया तो अपने कितना आ गया 7 ये क्या हो गया 5 हो गया 57,100 रुपीज आ रहा है यहाँ पे 57,100 क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी ऑन यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 57,100 रुपीज हो गया। इसी के साथ अपना आज का वीडियो यही खत्म होता है, प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।